أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا أبي القاسم محمد وقالوا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الضائمة على أعدائهم مجمعين من بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ज़क्रोल्लाबौ तमाम तारीफ़ें खुदा बंद महदी के लिए व तमाम हदिय दरुद आबाओ अजदाद महदी के लिए खुद हज़रत इमाम महदी अलसलम के लिए अलहदुल्ह लजीजआ नामिनमतमसकिन बिल्कुर وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام وجعلنا وَيَّاكُمْ إن شاء الله من الطالبين بالصأر الحسين وأوليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام अम्माज शिक्र खुदा ख़ुदाबंद मुताल के साथ के फिर इमाम ज़माना आसाम और क़ुरान मजीद के दरमियान आयतों के अरतबात को आपकी ख़िदमत में पेश करते हुए वनवान तफसर आयात महदवियत एक और आयत का इंतब आज आपकी ख़िदमत में इस कलाम के आगाज़ में इस तरह से किया गया कि जैसे कि पहले इशारा किया जा चुका कि हर एक सूरे में और हर एक पारे में कहीं ना कहीं इमाम का ज़िक्र शक्ल तावीलन ज़रूर मौजूद है या यू समझ लीजिए कि अगर किसी को इमाम ज़माना आसलतम की ज़्यारत न हो रही हो तो जैसे कि आकाई वहीद खुरासानी अजीम मर्ज अली क़द्र जब उनसे पूछा गया कि इमाम से मुलाकात का तरीका बताइए तो इस फरमाने लगे कि आप तिलावत कुरान शुरू कीजिए और आयतों के आईने में अपने इमाम के चेहरे को याद कीजिए और जितना इंसान कुरान से करीब होगा उतना इमाम से करीब होगा और गर्चे ये तीस बारों का सिलसिला ना तो मकतब अहलबैत का ना मकतब असहाब का ये सिलसिला बात के मुसलमानों ने इस तरह से रखा कि तीस दिन में कुरान ख़त्म किया जाए तो गर्चे उसके एतबार से भी हमने हर एक जुज़ के साथ एक आयत तलाश करते हुए ज़िक्र इमाम से मरबूत कर ली है अपने उनवान को आगे बढ़ाने के लिए और आज ये तीसरे पारे की एक आयत पढ़ रहे हैं आयत का निशान है टू सिक्सटी नाइन आयत नंबर दो सौ उनहत्तर सूर मुबारक बकरा. तीसरे पारे की आयत सूरह बकरा आयत नंबर दो सौ उनहत्तर और इस आयत के तर्जुमे पर गौर कीजिएगा युत हमत मैशा परवरदिगार आलम जिसके लिए चाहता है अपनी हमत को अता करता है मई यू तल हमत फ़कद ओतिया खैरा कसरा और खुदा जिसके लिए अपनी हमत को अता फ़रमाए तो गोया उसको परवर ने खैर कसर अता कर दिया व मा इल्ला करो अल्लाबाप और नसीहत और याद दहानी तो अगर है तो सिर्फ साहिबा ने के लिए साहिबानकल के लिए इसका तर्जुमा आपकी खिदमत में अब आइए गौर कीजिए कि इमाम जाफ़र सुदिकलाम इर्शाद फरमाते हैं रावी हैं अबी बशीर अबी अब्दुल्ला फ़ी कौल अज वजल इमाम ने इस आयत के झेल में इर्शाद फरमाया कि वाम यूतल हकमत ओतिया खैरन कसीरा फला इमाम फरमाते हैं तोअतुल्ला व मार फतल ये हमत से मुराद क्या है ये खैर कसीर क्या है क्या वो दो चीज़ें हैं जिसे खुदा हमत अता कर दे उसे खैर कसीर देता क्या है ये? क्या दो चीजों का नाम है तोअतल्ला व मार फतलम एक अल्लाह की इतात एक इमाम की मारुफत सुबह आयत का मिजाज देखिए उसके बाद रवायत पर गौर कीजिए इसी अंदाज से एक और रवायत आपकी खिदमत में अनाबी अब्दुल्ला काला रावी कहता है समय तो यकूल मैंने सुना कि इमाम शाक फरमा रहे हैं है। वा वामई यु उतल हिकमत फकत ओत या खैरन का इस आयत के जेल में इमाम फरमाते मारिफत अमाम व इजतनाबुल कि यहाँ हिकमत और खैर कसीर से मुराद दो बातें हैं एक इमाम की मारफ़त और एक ऐसे बड़े बड़े गुनाहों से अपने आप को रोकना इज्तनाब करना कि जिन गुनाहों की बुनियाद पर अल्लाह जहन्नुम की आँख को वाजिब कर देता है किताबें काफी बाबुल कबा में यह रिवायत और इमाम जमाना सलातम से इस बात को मंसूब करते मई यशा पर गौर कीजिए पहले मैं यशा क्या है अब गौर कीजिए परवरदिगार आलम के हवाले से जो इस्तेमाल की जाता है कि परवरदिगार जिसको चाहता है इज्जत देता है जिसको चाहता है जिल्लत देता है जिसको चाहता है हिदायत करता है जिसको चाहता है गुमराह छोड़ देता है इन तमाम तर आयतों में आखिर क्या लफ्ज यशा की हैसियत है मैं अगर आम इंसानों की बात करूँ तो आपसे वो सवाल किया जाए कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं अगर आप जवाब सही देना ना चाहें या आपके पास कोई लॉजिक ना हो आप कहते हैं जी मेरी मर्जी लफ्ज़ तो बड़ा अजीब सा हो गया इतना ज़्यादा बदनाम हुआ सड़कों पर खातान की इज्जत को पामाल करते हुए ये नारा मेरी मर्जी जब आपसे पूछा जाए कि आप ये क्यों कर रहे हैं आपसे पूछा जाए कि आप अपने बच्ची की शादी में मिक्स गैदरिंग क्यों कर रहे हैं मेरी मर्जी आपसे पूछा जाए कि आपने दाढ़ी क्यों साफ कर दी क्या मेरी मर्जी क्या आपने अपनी खातून को पर्दा क्यों नहीं कराया क्या मेरी मर्जी तो यह अजीब बात है आप होते कौन है जो आपकी मर्जी तो लफ्ज यशा का एक तर्जुमा उर्दू मुहावरे में मेरी मर्जी इसका मतलब क्या वही स्टाइल है खुदा के लिए जैसे आप कहते हैं कि आपकी मर्जी तो खुदा भी कह मेरी मर्जी मैं जिसको चाहूं हिकमत दूं और जिसको चाहूं हिकमत ना दूं, जिसको चाहो हिदायत दूं जिसको चाहो गुमराह छोड़ दूं तो अगर ऐसी बात है और लफ्ज यशा का मतलब वही है जो आपका हमारा आम तर्जुमा है तो ये खुदा के शायाना शान तो नहीं है आइए गौर कीजिए असलन फैज इलाही खुदा सबका खुदा सबका खुदा है वो तो सब का पालने वाला आलमीन का रब है हर एक इंसान हर एक हैवान हर एक मखलूकत का खालि कौन वही परवर देगा तो उसका फैस तो सब के लिए जारी होना चाहिए ये क्या बात हुई कि जिसको चाह उस पर फैस जारी कर दिया जिसको चाह छोड़ दिया सब के लिए उसने अपने फैस को जारी किया और अब कोई मीजान रखा जाए बहुत गौर कीजिएगा से बहुत सारी रवायात को हम टच नहीं कर रहे से कुछ मिसालें आपकी खिदमत में करना चाहूँगा मिसाल ये समझिए कि मेरे पास एक जग में भरा हुआ शरबत कह लीजिए मौसम माह रमज़ान का तो शरबत तो बड़ा इस्तेमाल कर रहे होंगे या कोई और मशरूब या पानी आपके हाथ में जग भरा हुआ अब इस भरे हुए जग का जो भी पानी और मशरूब है मेरे पास तीन ऑप्शन हैं एक छोटा रखा है प्याला एक रखा है कप एक रखा है गिलास अब मुझे बताएं कि क्या मैं इस बात पर कादिर नहीं हूं कि मैं इस जग के पानी या मशरूब को इनमें किसी एक के अंदर पूरा ट्रांसफ़र कर दूं? मैं तो कादिर हूं, मैं कर सकता हूं। लेकिन इन तीनों बर्तनों में ये सलाहियत नहीं है कि ये इस पूरे जग के पानी को अपने अंदर सुमो सके बात वाजे हो रही है फैज इलाही सबके लिए बराबर है अलबत्ता जो नफ्स खुद अपनी सलाहियत को खुदा की बारगाह में पेश करे कि खुदा की अमानतें बर्दाश्त कर सकता हो खुदा की तात पर साबित कदम रह सकता हो मिसाल पर गौर कीजिएगा मैंने जब पानी डालना चाहा, मैं डालना चाहता था मैं तो चाहता था कि सारा पानी इसके अंदर आ जाए मगर इसका खुद काबिलियत की सलाहियत नहीं थी इसमें काबिलियत नहीं है मुझ में काबिलियत है इस पानी के अंदर काबिलियत है इसमें काबिलियत नहीं है ना इस प्याले में ना इस कप में ना इस गिलास में ला हाला मैंने देखा कि इन तमाम बर्तनों में से एक बर्तन इसके बराबर है यानी वह भी एक जग है और जितना बड़ा ये जग है उतना बड़ा वो जग है तो अब मैं समझ गया कि अगर मुझे इस पानी को कहीं और ट्रांसफर करना है पूरा तो मैं इसको इस बड़े बर्तन यानी जग के अंदर ट्रांसफर कर सकता हूं क्योंकि इसमें काबिलियत और सलाहियत मौजूद है सुबह अल्लाह आसान तरीन मिसालों में कि अभी तमाम बर्तन रखे हुए हैं और ये बर्तनों में सलाहियत नहीं है जब बर्तन में सलाहियत होगी तो ये पानी इसमें मुंतकिल हो जाएगा परवरदगार का फैस सबके लिए जारी हो सारी मीजान क्या है मीजान मैार क्या बनेगा कि आया इनके अंदर खुदा के फैस को समोने की सलाहियत है या नहीं अगर आप मिसाल से वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और आपका जहन कहीं और मुड़ रहा तो आपको रोक लेता हूँ आइए और कीजिए मैं और आप मिलकर मैं एक तालबिल की हैसियत में आपकी खिदमत में इशारे मुकम्मल कर रहा हूँ हजरत आदम के दोनों बेटे थे एक का नाम था हबीब एक का नाम था काबिल तो क्या खुदा ने हाबिल को कोई अलग से परमिशन दी थी या खुदा ने काबिल के हाथ रोक दिए थे कि खुदा की बारगाह में कुर्बानी में कंजूसी कर दे दोनों को दोनों को बराबर की सलाहियत थी चाहते तो फासिक हो जाते चाहते तो मोमिन हो जाते परवरदिगार तो ऐलान कर रहा है इस तरह से के रास्ता बता दिया है चाहे काफिर बनो चाहे शाकिर बनो हदईना सबील इन्ना हदैना सबील इम्मा शाकिरन व इमा कफूरा चाहे शाकिर बनो या काफिर बन। रास्ता बता दिया है हमने तुम्हें तो। इस आयत में गौर कीजिए इस आयत में अल्लाह के फैस को संभालने की सलाहियत किसमें है जिसके अंदर सलाहियत है खुदा उसे खैर कसीर अता करता है और इसके अलावा जो ताबीर एक और कई मकाम पर है मसलन मतलब सूरह साहल में भी है और रत में भी है फातिर में भी है कि शाह आप तर्जुमा करते हैं अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह कर देता है इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने किसी गुमराह को पकड़ गुमराह कर दिया नहीं ऐसा नहीं है मिसाल देता हूँ आपकी खिदमत में जब एक क्लास का आगाज़ होता है कोई स्कूल कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी क्लास का आगाज़ हुआ और चालीस तलबा मसलन एक क्लास में एक वक्त में एडमिशन लेते तो उस्ताद उन तमाम तलबा को एक निगाह से देखता है बाद में वो तलबा में से बास तलबा अपनी सलाहियत का लोहा उस्ताद से मनवा लेते हैं और जब उस्ताद की बात मानने वाले सलाहियत का लोहा मनवा लेते हैं तो उसी क्लास में कुछ ऐसे होते हैं जो उस्ताद की नसीहतों पर उस्ताद के बताए हुए असबाक और याद कराए हुए फार्मूलाज को याद नहीं करते बट खेल रहे होते हैं तो ऐसे में उस्ताद भी कहता है अच्छा इनसे सरफ नजर कर लो अब अगर ये खुद पढ़ना नहीं चाहते तो हम क्या करें हम तो क्लास में सबको पढ़ाने के लिए आए ये पढ़ना ही नहीं चाहते ये खेल रहे हैं आपस में एसएमएस कर रहे हैं मोबाइल पे लगे हुए हैं पढ़ना ही नहीं चाहते तो इसका मतलब ये हुआ कि उस्ताद ने इनको नहीं छोड़ा बल्कि इन्होंने उस्ताद की मासीयत करके अपने आप को उस्ताद की रहमतों से महरूम कर लिया अब अगर उस्ताद पूरी क्लास में किसी को अपना जानशीन बनाता है तो उससे आप पुराने ज़माने में तो हम कहते थे मॉनिटर बना दिया या प्रिफेक्ट बना दिया अब खुदा मालूम आप क्या कहते हो आज के दौर में अलग बात कोई एक क्लास में ऐसा होता है जिससे आप उस्ताद क्लास में खड़ा कर देता कि मैं क्लास से बाहर जा रहा हूँ ये खड़ा हुआ है ये क्लास संभालेगा अल्लाह अकबर तो ये कहाँ से आया है ये उनचालीस में से आया है वो सब के सब बराबर थे सब ने फॉर्म फिल किया था सबकी सलाहियत बराबर थी मगर किसी ने अपनी सलाहियत के जरिए से अपने उस्ताद का एहतराम करके अपना लोहा मनवा लिया कुछ ने अपने आप को नाकारो ना नाकाम करवा लिया अब बात वाजी हुई नजिल्लो अल्लाह किसी को गुमराह नहीं करता बल्कि इंसान खुदा की बताई हुई हिदायत से अगर मुंह मोड़ ले तो खुदा भी उसकी परवाह नहीं करता जब खुदा परवाह नहीं करता तो ये चलते चलते गुमराही के रास्ते पर आतिश जहन्नुम का हकदार हो जाता है वमा यज्जक करो अल्बाब अल्लाह अकबर गौर कीजिए तमाम के तमाम तर वो बातें कि जो इमाम जमाना सलात सलाम के हवाले से एक नहीं दो नहीं सारे आइम्मा की इतात सारे अम्बिया की इतात खैर कसीर क्या हिकमत क्या कि जो अपने अंदर सलाहियत को साबित करे खुदा उसके लिए फकत ओतिया खैरन कसीरा और अब चूँकि बात यहाँ तक पहुँची है और ऐसे में बहुत सारी मिसालें आपकी खदमत में अर्ज़ हो चुकी इमाम जमाना सलात आसलातम की बारगाह मुकद्दस से कि जो इमाम के असहाब होंगे साहिबान अक्ल होंगे साहिबान इतात होंगे वो खुदा की इतात करने वाले इमाम को पहचानने वाले वो इमाम को पहचानने वाले वो इजतनाब कबायर बड़े गुनाहों से अपने आप को बचा लेने वाले क्या ऐसा मुमकिन है जी इमाम की याद इमाम की मोहब्बत हो बहुत सारी मिसालें मौजूद इमाम से मुलाकात करने वालों की मिसालें बहुत सारी मौजूद और मिसालों में रोज़ाना आपकी खदमत में कुछ मिसालें पेश की जाती हैं और आज सिर्फ इशारा करते हुए क्या मैंने और आपने अपने ज़माने के इमाम को अपने माहौल में महसूस किया हमने तो अपने इमाम को अपने माहौल से ख़ुद ही निकाला हुआ है मुझे माफ़ कीजिएगा अजीब व ग़रीब कैफियत है मैं मिसाल दे सकता हूँ अपने घर की और आप मिसाल ला सकते हैं अपने घर की अगर कोई आपका अजीज मुल्क से बाहर गया हो आपका बेटा बाहर गया है आपकी बेटी बाहर गई है तो अगर आपको उस बेटे से बड़ी मोहब्बत है और बेटी से बड़ी मोहब्बत है तो आप हर खाने के वक्त में जब पूरी फैमिली जमा होती हो उसे याद करते हैं तो क्या कभी इमाम को ऐसे याद किया अल्लाह अकबर गौर कीजिए वो आज के ज़माने के केमा की मिसाल आपकी खिदमत में और ख़ास तौर से एक ऐसी शख्सियत की मिसाल आपकी खिदमत बयान कर रहा हूँ कि जो इमाम जमाना आसलम से मुलाकात का शरफ़ हासिल कर चुके इमाम से मुलाकात करने वालों में भी हैं गरमा भी हैं मराज उजाम भी हैं और आम अफराद भी अब चाहे वो मुसाफिर रास्ता भूल गया हो जैसे कि उस सैयद का वाकया, जैसे सैयद अहमद के नाम से याद किया गया रश्त का रहने वाला और ये जा रहा था हज के लिए पूरा तफसील के साथ तो वाकया पेश नहीं कर रहा सिर्फ इशारा कर रहा ये जा रहा था हज के लिए और जब काफ़िले के साथ वो काफ़ला काफ़ले तो था चूँकि आगे कोई हज का काफला नहीं मिल रहा था जब ये ताजरों के काफले के साथ आगे बढ़ा तो मौसम खराब हो गया तब रेस से आगे का वाकया और जब मौसम खराब हुआ तो इसकी सवारी को जरा सा कमजोर थी चलने में काफिला आगे बढ़ गया ये पीछे रह गया ऐसे मौसम अजीब हो गया बर्फ गिरने लगी बहुत सख्त सर्दी पड़ने लगी ये थक के बैठ गया कि जब कुछ सुबह नमोदार होगी तो मैं फिर हिम्मत करूंगा आगे बढ़ने की ऐसे में अजीब बात पेश आई कि वहां उसने देखा कि उस पूरे माहौल में एक ऐसा शख्स मौजूद है कि जो बजहिर हाथ में बेलचा लिए हुए बाघ के दरख्त के पत्तों पर गिरी हुई बर्फ को साफ कर रात के तीन बजे का वाक साफ कर और उसने इसको देखा तो करीब आकर इसका नाम लेकर इसे आवाज दी और पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे सलाम दुआ के बाद पूछा तुम यहाँ क्यों बैठे हो इसने बताया कि मेरी सवारी का जानवर जो है वो चल नहीं पाया काफ़िला आगे बढ़ गया अब मैं चाहता हूँ दिन की रोशनी में यहाँ से आगे बढ़ूँगा आने वाला शख्स कहता है फारसी जुबान में क्योंकि ये सैयद भी फारसी बोला करते थे कहता है कि तुम तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ते हो कहता है मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मुझे मुतवजह कर दिया वो ये मुझसे कहकर आगे बढ़ गए मैंने नमाज शब शुरू कर दी जो वज़ू का पानी दस्तियाब था मेरे पास उससे वज़ू करके नमाज शुरू कर दी नमाज शब मुकम्मल करके मैं फिर बैठ गया कि कुछ देर बाद फिर वो वापस आ गया वही शख्स हाथ में बेलचा लिए हुए अजीब बात है मैं तो समझ रहा कि शायद इमाम से मुलाकात होगी तो इमाम के अंदाज से मुलाकात होगी एक अलग अंदाज होगा अजीब मुलाकातें मासूम की हैं हाथ ने बेलचा लिए हुए उस इलाके में फारसी बोल फिर आगे फरमाया उस शख्सियत ने कि तुम अब तक बैठे हुए हो मैंने कहा कि मुझे रास्ता समझ में नहीं आता मैं जाऊं तो कहां जाऊं कहा अच्छा तुम ज्यारा जामिया कहते हैं सैयद ना तो मुझे उस वक्त उससे पहले जुबानी याद थी और ना आज याद है मगर जब आने वाली शख्सियत ने मुझसे कहा कि ज्यारत जामिया पढ़ो तो मेरी जुबान से ज्यारत जामिया निकलना शुरू हो गई अल्लाह हो अ ज्यारत जामिया कबीरा एक बड़ी बेहतरीन ज्यारत जब कभी आपको मौका मिले तो इस ज्यारत की तिलावत जरूर कीजिएगा खास तौर से जब आपका दिल मनकबत सुनने को चाहे तो शोरा के कलाम के बजाय मासूम के कलाम को सुनिए कि मासूम ने खुद मासूम की तारीफ में क्या कलिमात कहे कहती मैं ज्यादात जाम पढ़ के फिर बैठ दे कुछ देर बाद तो फिर दोबारा आ गए और मुझसे कहते तुम अब तक नहीं गए मैंने फिर कहा कि मैं जाऊं कैसे रास्ता समझ में नहीं आ रहा तो कहने लगे अच्छा जारत आशूरा बढ़ो सैयद कहते हैं ना उससे पहले मुझे याद थी जुबानी ना आज याद है अच्छी बात है। हम लोग बसा औकात वजीफे ढूंढते और पूछते मौलाना कौन सी दुआ पढ़ ले हमें दुआ तो याद नहीं आ रही मैं आपकी खिदमत में जुमला अर्ज कर दूं कि ये लफ्ज अरीजा सिर्फ नीमए शाबान से मखसूस नहीं है अरीजा निकलाए अर्ज़ के अल्फाज से अर्ज़ कहते हैं किसी दरख्वास को जो छोटा किसी बड़े की खिदमत में करे जब इंसान अपने आप को छोटा समझे अपने इमाम को अपना बड़ा समझे जो दरख्वास इमाम की बारगाह में करे उसे अरीजा कहते हैं और ये वसीलों में बेहतरीन वसीला है मगर मुझे माफ कीजिएगा हमने तो अरीजा डालने की रस्म को पिकनिक या तफरी के अंदाज में तब्दील कर दिया क्या खुलूस क्या रिकत क्या ईमान की याद बस उठा के वो अपने अंदाज से पटाखे भी हैं शोर गुल भी है और इधर उधर की बातें भी हैं गीबत भी है अल्लाह अकबर में क्या जुमला इस्तेमाल करूं पर्दे का ख्याल नहीं ना महरम पर निगाहों का गुना भी और अरीजा इमाम की खदमत में डाला जा रहा यह कौन सा अरीजा है यह कौन सा तरीका है वसीला अरीजा खुद एक वसीला है और अरीजा लिखो और लिख कर या तो किसी मासूम के रोजे की जरी में डाल दो या कुरानी मजीद के अंदर रख दो या जमीन के अंदर दबा दो क्यारी के अंदर या पानी में पानी रुका हुआ हो पानी चलने वाला हो कुएं का हो चश्मे का हो और इमाम की बारगाह में अपने अहबार को लिख इमाम को याद तो कीजिए वो सैयद कहते हैं कि तीसरी बार उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ज़्यादातः आशूरा पढ़ो मुझे याद नहीं थी मगर पढ़ना शुरू कर दी जारत आशूरा पूरा सलाम पूरी लान की कैफियत सौ सौ मरतब मुकम्मल की उसके बाद दुआए अलकमा भी पढ़ ली फिर बैठ गया फिर मेरे पास आ गए वो अब तक नहीं गए मुझे रास्ता नहीं भा लू अच्छा आओ हमारे साथ आओ अपनी सवारी के पीछे मुझे बिठा लिया और मैं अपनी सवारी की लगाम थाम कर उनके पीछे बैठ गया दो कदम चले थे और चलते हुए मेरी हाँ मेरी रान पर हाथ मार के फरमाते हैं नाफिला 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 तुम क्यों नहीं पढ़ते नवादे पर फिर फरमाया जामिया 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 तुम क्यों नहीं पढ़ते जारतः जामिया फिर फरमाया आशूरा 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 तुम क्यों नहीं पढ़ते जारते आशूरा ये बातें मुकम्मल अभी तक कहते हैं मैं पहचान नहीं पाए कौन है बाग का माली है को रास्ता बताने वाला है मुझे दिखाया दूर से तुम्हारा काफ़िला वहाँ उतरा हुआ था वो लोग अभी वज़ू के लिए उतरे हैं नमाज पढ़ने के लिए मैं उतरा सवारी से अपने सवारी को चलाना चाहा मगर सवारी चलने पर आमद नहीं हुई तो वो खुद उतर के आए अपने बेलचे को ज़मीन में गाड़ा मेरी सवारी के रुख को मोड़ दिया उस काफिले की तरफ अब बैठ जा बैठ के चला तो मैं पहुंच गया काफले में अब जो पलट के देखा मुझे कोई दूर दूर तक दिखाई ना दिया कैसा बाघ कैसा माली कैसा बेलचा कैसे बर्फ हटाने का वाक अब सोचता हूं कि वहां सब तुर्की बोलने वाले रहते थे वहां फारसी बोलने वाला कैसे आ जब पर्दे हटे तो अंदाज़ा हुआ कोई एक मुलाकात का तरीक़ा ये कि जहाँ पर मार्फत बाद में आई मुलाकात पहले हो गई और एक मुलाकात का तरीक़ा ये कि मार्फ़त के साथ मुलाकात हुई कोई अब जो आरिफीन हैं जो सालिकीन हैं जो महाराज उज़ाम हैं जो बरहक हैं उनकी मुलाकात बामार्फत होती है और जो आम अफराद साहिबा नहीं माने उनकी मुलाकात पहले और मार्फत बाद में होती बस अजदान निगरामी कदर आज की हद तक बात को यहाँ रोकते हुए कि यकीनन अगर इंसान खुलूस से कल्ब के साथ जमाने के इमाम को पुकारे तो इमाम उसकी फरियाद को पहुँचते हैं और आज दिल चाहता है कि ऐसी शख्सियत के बारे में दो जुमले कह दो अगर माह मुबारक के रमज़ान की इन रातों में आप याद कर सकें जनाब नफीसा खातून नफीसा कौन इमाम हसन मुशतबा सलाम की औलादों में से बास ने लिखा कि हसन बिन जैद की बेटी वो हसन के बेटे और वो इमाम की औलाद में से और छठे इमाम सलाम के बेटों में से जनाब इसहामतमन से आपका निका हुआ मिस्र में आप रहती थी क्या तकवा इबादत क्या जोहद अल्लाह अकबर हालते रोजा में आपका इंतकाल हुआ नफीसा खातून, ऐसी पाकिजा खातून के तिलावत कुरान की कर रही थी कि आप हालत रोज़ा में रब की बारगाह में मुतसिल हो गए, बस आखिरी जुमला नफीसा का इंतकाल मिस्र में हुआ और इसहाक आपके शहर मदीने गए हुए थे या मक्के गए हुए थे पलट के जब वापिस आए और इंतकाल के बाद उनको दफ़न किया गया था आमानतन शौहर जब वापस आए तो चाह के मैयत को मुंतकिल करें तो अल्लाह के रसूल को हालत ख्वाब में देकर फरमाते हैं साख नफीसा को मिस्र में रहने दो खुदा नफीसा की बरकत से अहल मिस्र पर अपनी बरक़तें नाजिल करना चाहता है बस मैं एक जुमला कहूँगा एक ये नफीसा है जो मिस्र में दफनाई गई और एक वो सकीना है जो जिंदा शाम में दफनाई गई बस ये इस गुरबत की कैफियत थी कि मुसाफिरत वहाँ भी है मुसाफिरत यहाँ भी मगर यहाँ इस चार साल की बच्ची का लाशा मेरे चौथे इमाम ने ऐसे उठाया कि हाथों में हथकड़ियाँ थी पैरों में बेड़ियाँ थी और कोई जनाजे को उठाने के लिए साथ देने वाला मौजूद न था अपनी बहन के जनाजे को उठाकर इमाम रोते थे फटे हुए उसी पैरहन में सकीना का कफन बना ए नफीसा आपको मिस्र में कफन मिल गया आपको मिस्र में दफन का उनवान मिल गया है सकीना जिंदा ने शाम है उसकी यतीम बेटी इस तरह से रह गई कि पूरा काफला रहा हो गया सकीना जिन...

دعاء نطبہ میں آپ پڑھتے ہیں حب لنا و رحمتہ و دعاہ و پروردگار ہماری امام کو ہم سے راضی فرما پروردگار تمام مقدس مقامات کی هم ہم سب کو فرما خاص طور سے بی بی نفیسہ اور جناب سیگدہ سکینہ کے روزوں کی زیارت نصیب فرما ربنا تقبل منا إن كان السامی العلیم بجائے محمد و المسمين الماسومین برحمتک یا رحم الراحمین